जिसका मुझे था इंतजार, लो वो घड़ी आ गई आ गई। हेलो सीएमए स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? तो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बिग अनाउंसमेंट। अरे अब बिग अनाउंसमेंट क्या है यार, सबको पता है कि एग्जाम आने वाले हैं और अब क्या अनाउंसमेंट आने वाली है सबको मालूम है। तो चलो गाइस, सस्पेंस में यही खत्म कर देता हूं। मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं डिटेल्ड रिविजन, लेकिन प्लीज वीडियो को पूरा सुनना। ये रिवीजन कब से आएगी ये मैं बताने वाला हूं, और कौन कौन टीचर क्या क्या पढ़ाने वाला है ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं, तो भाई ध्यान सुनना। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग आपके लिए लेकर आ रहे हैं डिटेल्ड रिवीजन। भाई डिटेल्ड का मतलब है कि ये वैसी रिवीजन नहीं है कि जो सुपर फास्ट रिवीजन है या मैराथन होते हैं, एक क्लास में मतलब चैप्टर खत्म कर दिया, वैसी रिवीजन नहीं है सर। ये मतलब एक चैप्टर की अगर 6-7 क्लासें भी रिवीजन मांगती है ना, तो हम 6-7 क्लासें लगाएंगे उसके ऊपर, चैप्टर के ऊपर, और फुल डिटेल्ड। मतलब मैं बोलूंगा यार, अगर आपने आज तक एक बार भी नहीं पढ़ा ना, और आप कमिटमेंट करते हो कि आप अच्छे से मेहनत करोगे, वीडियो को ध्यान से सुनोगे और घर जाके मतलब उसके बाद में उसकी प्रिपरेशन करोगे, तो मैं डेफिनेटली गारंटी देता हूं आपने अगर एक बार भी नहीं पढ़ा हो ना, तब भी आप एग्जाम क्लियर कर लोगे। तो सर चलिए, मैं आप लोगों को ना सबसे पहले मिलाता हूं कि हमारी टीम में कौन कौन है और कौन कौन क्या क्या सब्जेक्ट रिवाइज करवाने वाला है, वो सब मैं आपको मिलवाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूं, अगर मैं मेरा बताऊं तो मैं आप लोगों को टैक्सेशन और कॉस्ट अकाउंटिंग रिवाइज करवाने वाला हूँ। इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम, कॉस्ट अकाउंटिंग, ये सब मेरे जिम्मे है, मैं आपको करवाने वाला हूँ। अब हम बात करेंगे सबसे पहले लॉ के सब्जेक्ट की, और लॉ के सब्जेक्ट के लिए हमारे साथ हैं आएंगे सर, हेलो सर, मनीष सर एडवोकेट हैं और लॉ में बहुत ज्यादा मतलब इनके एक्सपर्टीज है और बहुत ही फेमस टीचर हैं। जब आप इनसे पढ़ेंगे ना, तो आपको फील होगा कि यार लॉ क्या होता है सर। यस, हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, लॉ और एथिक्स की अगर आप बात करें तो बेटा लॉ और एथिक्स ना, ये पूरी तरीके से मेरी जिम्मेदारी होने वाली है। आपको इन 100 मार्क्स के लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, चाहे वो प्रैक्टिस का पार्ट हो, चाहे वो याद करने का पार्ट हो, दोनों पार्ट पे मैं आपके साथ रहूंगा। चाहे वो टेस्ट की बात कर लो, चाहे उसके चेक करने की बात कर लो, वहां तक भी हम आपके साथ होने वाले हैं। भाई साहब, सिर्फ एग्जाम देना है आपको, एग्जाम देने के अलावा जितनी भी समस्याएं हैं वो सब अब हमारी। बिल्कुल साहब, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपको एथिक्स का पार्ट, आपको कॉर्पोरेट लॉ की बात कर लीजिए, या फिर आप बात कर लीजिए जो आपके पास इंडस्ट्रियल लॉ का पोर्शन है, हाँ जी, 40 नंबर, 30 नंबर, 15 नंबर, 15 नंबर, ये सारे डिविजन्स आपको ना आपके टिप्स पे याद होंगे। मतलब आपको मैं क्लास में कहूंगा भी उंगलियां निकालो और एक एक सेक्शन मेरे साथ बोलो, आप मेरे साथ सारे सेक्शन बोल रहे होंगे बेटा, इसकी गारंटी मैं लेने को तैयार हूं। तो मतलब सर, आप इन्हें खाली कंसेप्ट करवाओगे, लर्न भी करवाओगे? सर कंसेप्ट, लर्निंग, सारा का सारा सेक्शन इनके दिल दिमाग तक उतार देंगे सर। भाई देख लो, मजे आने वाले, मैं सही कह रहा हूँ, मतलब मुझे तो अभी से बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है यार। बिल्कुल सर, कि मतलब ये जो सेशन होने वाला है रिवीजन का, ये मतलब कमाल होने वाला है, कमाल होने वाला है सर। बिल्कुल, मतलब रिवीजन आपकी डिटेल्ड रहेगी ना, अगर मतलब किसी बच्चे ने पहले नहीं पढ़ा है तो, और वो मतलब पूरी मेहनत करता है, तो क्लियर हो सकता है ना सर एग्जाम के लिए। जितने भी रिविजन्स आज तक हम, क्योंकि आपको फॉलो करते हैं, तो जितने भी रिविजन्स आज तक हमने देखे ना आपको, आपकी कि इस प्लेटफॉर्म का मतलब ये इन डेप्थ डिटेल रिविजन। तो हम अगर मान लो मैं कहीं और होता, किसी और जगह पढ़ा रहा होता, तो ये इन डेप्थ और डिटेल वाली बात होती ही रही शायद, लेकिन क्योंकि ये अमित कुमार क्लासेस है भाई, तो यहां पर आपको इन डेप्थ डिटेल्ड रिवीजन ही मिलने वाली है। आपको कहीं से भी ना, आपने कहीं पे पेड कोर्स भी ले रखा होगा ना, आप उससे कंपेयर करके देख लेना, कहीं से एक रत्ती का, एक इंच का, एक पॉइंट का डिफरेंस दिख जाएगा, बल्कि हमारा बेटर होगा सर। अरे बिल्कुल, मैं तो हमेशा बोलता हूं हमारी रिवीजन औरों के रेगुलर कोर्स से बेटर निकलेगी। आप आजमा के देख लेना भाई, पढ़ के देख लेना, एक चैप्टर करके देख लेना, एक चैप्टर कर लो, अगर आपको वो चैप्टर ड्रग्स की तरह ना लगे तो बोल देना, आपको फिर सारे चाहिएंगे। करेक्ट, आपको फिर एंड तक चाहिएंगे, सारे चैप्टर चाहिएंगे, ड्रग्स है ड्रग्स भाई हमारे, मतलब ऐसे बोलना नहीं चाहिए, हम ड्रग्स बेच रहे हैं, मगर ड्रग्स देंगे आपको, समझ लो। एक चैप्टर आपको दे दिया ना, तो फिर आप सारे ही लेके मानोगे, एक से काम नहीं चलेगा आपका, मैं बता रहा हूँ आपको। बिल्कुल सर। सर ये बताओ, लॉ के अंदर मतलब केस स्टडी वगैरह भी है? बिल्कुल सर, केस स्टडीज, इवन मैंने देखा कि सर आजकल केस स्टडीज पे लोग अपनी बुक बेच रहे हैं। आपको यार बुक वगैरह कोई परचेज करने की जरूरत नहीं, कोई भी बुक किसी भी नाम से आपको परचेज कर, पैसा ज्यादा है तो अकाउंट नंबर दे दूंगा भाई, उसमें डाल देना। बट भाई साहब, अगर आप अपने पैसे अपने पेरेंट्स के पैसे सेव कर लोगे, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और हाँ, याद रखिएगा,
आपको सारे के सारे नोट्स, इतने बेहतरीन नोट्स आपको मिल जाएंगे बेटा। बस आपको एक नंबर दिया जाएगा, उस नंबर से आप ये सारी चीजें कलेक्ट कर लेंगे, राइट? सही है सर। अच्छा ये तो जो मतलब लॉ का पेपर है, लोग ऐसे बोलते हैं कि ये एक थ्योरेटिकल पेपर है और इसको थोड़ा कम ध्यान देते हैं लॉ के ऊपर, ज्यादातर वो सोचते हैं अकाउंट्स यार प्रैक्टिकल है, टैक्स में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मतलब मैं मेरा ओपिनियन बता रहा हूँ, आप सर बताना कि ऐसा होता ही नहीं होता। मेरे को भी इतना आइडिया नहीं, मेरे को ऐसा लगता है बच्चे जिस अगर कोई सब्जेक्ट मान लो, पहली बात तो मुझे लगता कभी नहीं लगा कि जो लॉ है वो एक थ्योरेटिकल है। मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे हिसाब से तो लॉ एक लॉजिकल है, राइट? ऐसा नहीं है कि रफ थ्योरी है, कोई बिजनेस मैनेजमेंट तो है नहीं भाई जिसके अंदर आपको वो प्लानिंग कंट्रोलिंग कुछ भी लिख के आओ, ऐसा कहानी तो है नहीं, बहुत ही डिटेल्ड में लिखना पड़ता है। लॉ बहुत ही अलग तरीके से लिखा जाता है। सर आपको लगता है कि स्टूडेंट्स को जो लॉ का पेपर है उस पर बल्कि फोकस बाकी पेपरों से ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि ये वो पेपर है जिसे वो इग्नोर करते हैं और फिर वो यही लेके डूब जाते हैं, यही लेके डूब जाते हैं, तीनों में अच्छे नंबर ये लेके डूब जाते हैं। ये हर बार देखा गया सर कि ज्यादातर बच्चे ना या तो लॉ में अगर कोई टॉपर भी है ना तो उसका लॉ के अंदर स्कोर हमेशा कम रहेगा, और या फिर फेलियर का सबसे बड़ा कारण ही लॉ। और यहां हम इसी एक मेन मोटिव से काम करेंगे कि जो आपका फेलियर का डर है ना वो खत्म हो और जो टॉपर्स हैं उनको और अच्छे इंप्रूव्ड मार्क्स मिल सके, इसी मोटिव के साथ हम काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइस मनीष सर ने आपसे बात कर ली है और आपको बिल्कुल मेरे ख्याल में अब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि इस बार लॉ जो है ना वो आपका सुपर डुपर रिवाइज होने वाला है, और मैं गारंटी दे रहा हूँ यार इससे बेहतरीन रिवीजन आपने नहीं की होगी, मैं सच कह रहा हूँ, आप यकीन मानो ट्रस्ट करो इससे बेहतरीन रिवीजन आपने इससे पहले नहीं करी होगी। सर एक काम और भी करना है, यस सर, जिस दिन हम कराए करेंगे रिवीजन उसके नेक्स्ट डे चाहे हम जूम पे चाहे यूट्यूब पर चाहे कैसे भी स्टूडेंट की क्वेरीज देखेंगे रिलेटेड टू फर्स्ट क्लास, देन रिलेटेड टू सेकंड क्लास, ताकि जो स्टूडेंट हमसे यूट्यूब पे बहुत सारे बच्चे होते हैं कई बार क्वेरीज पिक नहीं हो पाती, लेकिन एक सेपरेट सेशन क्वेरी का, सर ये जो ढाई महीने बचे ना डेडिकेटेड टू, मतलब मैं तो बोल रहा हूँ मेरे तो ढाई महीने 100% डेडिकेटेड टू CMA स्टूडेंट्स। बिल्कुल सर, बिल्कुल, एडी से छोटी तक का जोड़। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बस आप एकदम अपनी तरफ से तैयार रहना तभी मजा आने वाला है मेरे भाई। चलिए गाइस अब मैं बुलाता हूँ अकाउंट्स के सर को जो आपको पढ़ाएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आइए सर। तो हमारे साथ है CA मोहित सर और चार्टर्ड अकाउंटेंट है और सर पढ़ाएंगे आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सर बताइए थोड़ा सा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत बहुत और बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे, और मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं आपका पेपर नंबर 6 CMA का, जो कि आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का होता है। तो इसके अंदर हम लोगों को सबसे पहले तो ये तैयारी कर लेनी है कि हम लोग इसमें जी तोड़ मेहनत करेंगे और 100 में से 100 का टारगेट रखेंगे, 99 भी नहीं, 100 का 100 टारगेट। क्यों? क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है जो आपको बचपन से पसंद है, और जब बचपन से जो चीज पसंद है और वो बड़े होकर आपको मिलेगी तो कैसा लगेगा? ये आपका पहला प्यार है, इसे मत भूलना। तो पहले प्यार की तो बात ये अलग होती है, और ये आपके साथ पूरे आपको नंबर दे सकता है। बस शर्त इतनी सी है कि अगर आप लोगों ने थोड़ी सी भी लापरवाही करी तो वो एक नंबर कट जाएगा, और 99 और 100 में कितना डिफरेंस होता है कहने को एक नंबर का है, लेकिन दर्द जीवन भर रहता है। तो मैं आप लोगों को पूरा रिवीजन करवाने वाला हूं, इंक्लूडिंग कॉन्सेप्ट, इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल्स। तो इसमें सिर्फ हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे ही नहीं, बल्कि हम उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स एग्जाम्पल्स जो हमारे CMA इंस्टीट्यूट ने जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं हम वो भी डिटेल्ड में सॉल्व करने वाले हैं। अब डिटेल्ड में सॉल्व करने वाले, तो बहुत सारे बच्चों को दिमाग में ये आता है कि सर डिटेल में रिवीजन करेंगे तो एग्जाम तो आ जाएगा 2 महीने में, ना हमारा कोर्स कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा। तो बेटा पहली बात तो ये सुनो, ये जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है कंप्लीट करने की, ये जिम्मेदारी हमारी है, मेरी है और हमारी पूरी टीम की है। तो हमें पता है कैसे किया जा सकता है, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। और इसमें इंपॉर्टेंट, बच्चे छोड़ के आते हैं, मैंने नोटिस करा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड छोड़ के नहीं जाने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें से MCQ भी आते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आते हैं, तो और प्रैक्टिकल क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं इनफैक्टली ऐसा बोला जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर कमांड स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। तो सर कैसे होगा 2 महीने में? मैंने पहले बोला ये आपकी नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो हम डिटेल में सब कुछ कवर करने वाले, इंक्लूडिंग कॉन्सेप्ट, इंक्लूडिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंक्लूडिंग आपके पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी। तो बस आपको क्या करना है, हमारे साथ डेली जुड़ना है और बाकी काम हमारे हाथ में। सर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा था आपसे, थोड़ा सा इधर देखिए सर, आप इधर आए हो, कैमरे इंद्र है सर, ये इधर तरफ आए हो। हाँ सर मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा था, अभी ना जो आपको पता ही है जो करंट पैटर्न है वो पहला क्वेश्चन MCQ आता है, और सर 15 क्वेश्चन आते हैं 30 मार्क्स के। सर 30 मार्क्स का मतलब अप्रोक्सीमेटली 1/3,
भाई किसी भी पेपर का 1/3 पोर्शन अपने आप में मायने रखता है। तो हम लोग एमसीक्यू की अलग से प्रिपरेशन करवाएंगे या नहीं करवाएंगे? बिल्कुल करवाएंगे। एश्योर्ड, मैं बच्चों को एश्योरिटी दिलवाना चाहता हूँ कि जो आपके माइंड में चल रहा है वो हम करने वाले हैं। एग्जैक्टली। देखो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, जो मेरा सब्जेक्ट है मैं आपको उसके 1000 प्रैक्टिकल एमसीक्यू क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे हैं। मैं ये बोलूंगा सभी 1000, लेकिन हाँ जितने रीजनेबल है इनके लिए। बिल्कुल सर, बताइए सर, एमसीक्यू कैसा रहेगा? देखिए एमसीक्यूज की जहां तक बात है, ये आपके एग्जाम के लिए ना बात कह लीजिए, अगर आपने वो 30 मार्क्स में से 20 मार्क्स स्कोर कर लिए ना, रेस्ट आपको 20-30 मार्क्स से स्कोर करने हैं, राइट? तो यहां एग्जाम को पास करने के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये कि पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। बिल्कुल पूरे मार्क्स मिल जाते हैं, बिंगो या टेंगो। तो भाई साहब यहां पर बिंगो की पूरी कोशिश करनी है हमने, और सर 30 में 30 भी लिए जा सकते हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, एमसीक्यू ऐसा है, अगर कंसेप्चुअली हम स्ट्रांग है, थोड़ा सा एफर्ट हमने लगा रखी है, तो मेरे ख्याल में 30 मार्क्स भी बड़े आराम से ले सकते हैं। बिल्कुल ऐसा है। तो गाइस वन मोर थिंग, अभी आपके मन में और बड़े सारे क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि मैं बताऊं आपको, सबसे पहली बात मैं बताऊं, हालांकि जो मैं बताने वाला हूं इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो भी लेके आने वाले हैं, बिकॉज मैं वीडियो को बहुत लंबी नहीं करना चाहता। जैसे कि आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर स्टडी मटेरियल कवर होगा या नहीं होगा, जैसे कि आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर जो स्कैनर है पास्ट 10 ईयर एग्जाम्स के जो क्वेश्चन है वो हम लोग रिवीजन में कवर करेंगे या नहीं करेंगे, हमारी क्लासेस अपडेटेड होंगी या नहीं होंगी, मतलब कोई पुराना तो नहीं होगा, कि हमारी क्लासेस लाइव रहेंगी या प्रीमियर रहेंगी, कैसे रहेगा, ये सारे डिस्कशन भी हम करने वाले हैं। हाँ, इनमें से एक मैं मैटर आपको अभी बता देता हूँ, हमारी क्लासेस यूट्यूब पर कंप्लीटली लाइव रहेंगी सर, हम लोग प्रीमियर में बिलीव इन रखते सर, हम मानते हैं कि जो लाइव में पढ़ने का मजा है ना सर, जो साथ में पढ़ने का मजा है, और मतलब इंस्टेंट चलती क्लास में एक क्वेश्चन पूछने का मजा है, तो वो मजा सर कभी भी प्रीमियर में नहीं आ सकता। आप प्रीमियर का मतलब है सर, प्रीमियर जब हम लगाते हैं ना तो हमें ऐसा फील होता है कि हम लोग ने सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी कि आगे बच्चा जाना और सर काम जाना, वो देखे ना देखे हमें क्या लेना, लेकिन जब बच्चा लाइव होता है ना और हम उसे बार बार जगाते रहते हैं, भाई पढ़ ले भाई पढ़ ले, मैं बोल रहा हूँ तो सुन नहीं रहे, तो बड़ा इम्पैक्ट आता है। तो गाइज मैं आप सब लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियोज को लाइव ही देखना, वीडियोस को लाइव ही देखना, बिकॉज जब आप लाइव में देखोगे ना तो आपको एक अलग फील आएगा, इस बात की मेरी गारंटी है, एक्सपीरियंस है यार, हम इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, ये हमारा एक्सपीरियंस है, तो आपको बहुत मजा आने वाला है गाइस। तो गाइस इन सब पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, और मोहित सर जो है वो एक वीडियो और भी बनाएंगे आपके लिए, जिसमें वो आपको बताएंगे कि आपका स्टडी मटेरियल दिखाते हुए आपको कि देखो कितने चैप्टर है, कौन से चैप्टर में कितने क्वेश्चन है, और हम कैसे कैसे करेंगे, पूरा स्टडी मटेरियल कवर होने वाला भाई, पूरा स्टडी मटेरियल। और सर आप भी बनाएंगे वीडियो? मैं भी बनाऊंगा टेक्स्ट की वीडियो, जिसके अंदर मैं आपको चैप्टर वाइज पहले स्टडी मटेरियल दिखाऊंगा सारा, कि देखो ये हमारा स्टडी मटेरियल है, ये इसमें चैप्टर्स हैं, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसके इतने हैं, इसके इतने, मैं आपको ये तो बता दूंगा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चन एज पर स्टडी मटेरियल कितने हैं, और मैं एक भी नहीं छोड़ने वाला, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ एक भी नहीं छोड़ने वाला, सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं गाइस, सारे क्वेश्चन, बस अब आप रेडी हो जाओ और देखो कितना मजा आने वाला है। तो गाइस चलिए मिलते हैं, अभी नेक्स्ट वीडियो का वेट करो आप, और एक बात तो रहेगी सर कि हमारी रिवीजन कब से शुरू होने वाली है, ये इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा तो यही है। तो भाई देखो रिवीजन शुरू करने को हम कल भी कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन फिर हमने सोचा अभी अभी नवरात्र आ रहे हैं, तो पहला नवरात्र जो है वो 3 अक्टूबर का है, तो भगवान जी का आशीर्वाद भी मिल जाएगा साथ में ना, तो 3rd of October से हम लोग अपनी रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। तो गाइस डोंट मिस, और 3rd October से हम आपको मिलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमारी कुछ वीडियोस आएंगी जो आपको और क्लैरिफाई करेंगे कि हमारी रिवीजन कैसे कैसे होने वाले हैं, हमारा स्केड्यूल क्या होने वाला है, हम आपको 3rd October से मेरी क्लास कितने बजे होगी, मोहित सर की क्लास कितने बजे होगी, मनीष सर की क्लास कितने बजे होगी, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय 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 बाय।